So kids, you have this worksheet now. Okay. So what you have to do? Color the natural resources. जो natural resources है तो आपको उसमें color करना है. Okay. First, ball. Ball is a man-made things. So you have to not color in this picture. Okay. Now next, waste. Waste is also man-made things. तो आपको कलर इसमें नहीं करना है. दिस इज द माउंटेन्स. तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना माउंटेन्स वाला, तो इट्स अ नेचुरल थिंग. तो यू हैव टू कलर इन दिस माउंटेन्स. ओके. नाउ नेक्स्ट, गोल्ड. गोल्ड गोल्ड मतलब मम्मा को पूछना, आपको बताएंगे. ओके. एज अ गोल्ड होती है ना, ये देखो, लुक एट हियर, दिस इज द गोल्ड रिंग. ओके. तो जो रिंग होती है, फिर चेन पहनते हैं, तो वो सब गोल्ड का बनता है. तो वो नेचुरल गोल्ड होता है. ओके. ये बनाते हैं मैन, इसकी डिज़ाइन और वो सब, पर गोल्ड नेचुरल होता है. तो इट्स अ नेचुरल थिंग. कंप्यूटर इज अ मैन मेड थिंग. ओके. वो तो सबको पता है ना, कंप्यूटर थोड़ी ना भगवान भेजते, कहीं उगता थोड़ी है, उसको तो मैन ही बनाते हैं. डन. डॉग हाउस. डॉग हाउस इज ऑल्सो मैन मेड थिंग्स. तो कलर करना नहीं है. डॉग हाउस में डॉग नेचुरल है, पर उसका हाउस मैन मेड है. ब्रेड. ब्रेड कहीं ग्रो होती है? नहीं, ये नेचुरल थिंग्स नहीं है, मैन मेड थिंग्स है. तो इसमें भी कलर नहीं करना है. अभी तक किस में करना है? माउंटेन और गोल्ड में ही करना है. ओके. फिर ट्री. ट्री इज अ नेचुरल थिंग, वो ग्रो होते खुद से. डायमंड. डायमंड इज ऑल्सो नेचुरल थिंग्स. वो है ना डायमंड्स, ये जो शेप देके रिंग में और उसमें डालते हैं ना, तो वो मैन करते हैं. पर डायमंड जो रियल होता है, जहाँ से निकालते हैं, वो खुद से ही वहाँ पे होता है. वाटर इज ऑल्सो नेचुरल थिंग. न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर इज अ मैन मेड थिंग्स. एंड सन. सन इज अ नेचुरल थिंग्स. तो यू हैव टू फिल कलर इन माउंटेन, गोल्ड, ट्री, डायमंड, वाटर एंड सन. ओके किड्स, डन. Okay kids, now we will learn numbers. Okay. तो हमने already 201 से 240 तक को learn कर दिए. ठीक है, अभी हम करेंगे 241 वाली line. Okay. So you have to repeat after me. Okay kids. 241. जोर से बोलना है सबको और अच्छे से. Okay. 241 242 243 244 245 246 247 248 249 and 250. Okay, done. Okay, तो अभी हम numbers लिखेंगे. Okay. थ्री डिजिट के नंबर है. देखो ये 1-1 होता है, 1 वाला, ये 1 डिजिट होता है. ऐसा अगर 1 और 2 हो गया तो 2 डिजिट, 1, 2 और 3 हो गया तो 3 डिजिट. ओके. तो मैंने आपको 100 टेंस और 1 सिखाया है ना, सिखाया है ना. फोटोज आए नहीं है हाँ मुझे अभी. आपको ये ऐसे करना है. ठीक है. ओके. 241 242 Speak loudly. 243
243, ऐसे नीचे की लाइन को टच करके लिखना है। 100 प्लेस पे 100 वाला नंबर आएगा, 10 प्लेस पे 10 और 1s पे 1s वाला नंबर। 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250. ओके, सेम यहाँ पे 241, टू टाइम्स लिखोगे ना तो जल्दी जल्दी आ जाएगा ना आपको, इसीलिए 242, 243, 244, वेरी गुड, सब बोल रहे हो ना, ओके, 245, 246, 247, speak loudly, 248, 249, 250, okay, okay kids, now हम क्या सीखने वाले हैं, name of the week, okay, तो आज हम संडे और मंडे का स्पेलिंग सीखेंगे एंड यू हैव टू राइट दिस टू स्पेलिंग इन योर लैंग्वेज नोटबुक, इंग्लिश नोटबुक, ओके डन, आपको यह इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है संडे एंड मंडे का स्पेलिंग। उससे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है ना हम स्कूल में वो सॉन्ग गाते थे, मंडे इज अ मून डे वाला, यस, तो आपको मेरे साथ वो गाना है, ठीक है, सो हरी अप, स्टैंड अप एवरीवन एट योर प्लेस, ओके, हो गए खड़े सब, यस, तो स्टार्ट करें, ओके, मंडे इज अ मून डे, ट्यूजडे इज अ ट्विस्टी डे, वेडनेसडे इज अ वेडिंग डे, Thursday is a thirsty day, Friday is a Friday, and Saturday, Sunday, holiday, very good, मजा आया ना सबको, okay, चलो, तो ये Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday का spelling है, उसमें से हम आज two spelling learn करेंगे। ओके तो मेरे साथ मेरे बाद में जोर से बोलना, एस यू एन डी ए वाई संडे, एस यू एन डी ए वाई संडे, वेरी गुड, एस यू एन डी ए वाई संडे, यस वेरी गुड, अभी मंडे का एम ओ एन डी ए वाई मंडे, M O N D A Y Monday, M O N D A Y Monday, ओके तो अभी आज ये दो स्पेलिंग हम नोटबुक में लिखेंगे, रेडी, ओके, कर्सिव में अगर पॉसिबल होता है तो आपको कर्सिव में ही लिखना है, ठीक है, अभी आप तो बिग गर्ल और बिग बॉय हो गए हो, सीनियर केजी में आ गए हो, है ना, ओके चलो, तो एस कैपिटल आएगा और बाकी के सारे लेटर हम स्मॉल लिखेंगे, ठीक है, ओके, एस यू एन डी ए वाई संडे,
बोल बोल के लिखना है ओके। तो जो लेटर्स आप भूल जाते हो ना वो रिकग्नाइज हो जाता है आपको फिर ओके। एस यू एन डी ए वाई संडे, एस यू एन डी ए वाई संडे, वेरी गुड। एस यू एन डी ए वाई संडे, ओके। नोटबुक में मम्मा को बोलोगे तो आपको हेडिंग और वन वन टाइम स्पेलिंग लिख के देंगे ओके। और उसके बाद आपको नीचे की लाइन खुद से लिखनी है अच्छे से, गुड हैंड राइटिंग में लिखना। वैसे तो सबके बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग होते हैं क्लास में, मैंने देखा आप लोग होमवर्क देते हो ना तो इतना एक्सीलेंट वर्क होता है ना सबका, वेरी गुड। तो और अच्छा लिखने का ट्राई करो ठीक है। एम ओ एन डी ए वाई मंडे, वेरी गुड। एम ओ एन डी ए वाई मंडे, एम ओ एन डी ए वाई मंडे, एम ओ एन डी ए वाई मंडे, ओके डन ओके किड्स, ओके बाय किड्स।